14 अक्टूबर 2024 के मुख्य समाचार। गुजरात में 5000 करोड़ रुपए की 518 किलो कोकीन जब्त की गई है और पिछले 10 दिनों में कुल 1279 किलो ड्रग्स बरामद हुए हैं। ईरानी आर्मी चीफ इस्माइल कानी निकला इसराइल का जासूस। दुनिया में मच गया हड़कंप और पूछताछ के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनके अपने ही सांसदों ने उन्हें घेर लिया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज, हटाया गया राष्ट्रपति शासन। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में घुसपैठ, बीएसएफ ने भारतीय एजेंट को पकड़ा, रैकेट के सरगना का भी खुलासा। स्टील के ग्लास पर पटाखे छुड़ाते समय 8 साल के बच्चे की मौत, टुकड़े पेट में घुसने से फट गई आंतें। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में तीसरी गिरफ्तारी, प्रवीण लोनकर को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन? अमित शाह और मोहन यादव को बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के प्रदर्शन के बाद देश भर में आज से रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। हम जंग के लिए तैयार हैं, चीनी सेना ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो, ताइवान को चेतावनी। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक और उनके 20 समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में, लद्दाख भवन के बाहर विरोध करने पर हुई कार्रवाई। लेबनान में गुस्सा इजराइल, इधर भड़के फ्रांस, स्पेन और इटली ने दे डाली चेतावनी। बाइडेन बोले, मैं बात करता हूँ। खड़गे के बेटे ने कर्नाटक सरकार को जमीन लौटाई, ट्रस्ट के लिए दी गई थी 5 एकड़ जमीन। म्यूडे स्कैम की जांच के बीच उठाया गया ये कदम। उद्धव बोले, महायुति अपना सीएम कैंडिडेट बताए, फिर हम ऐलान करेंगे। शरद पवार ने कहा, लोगों को मौजूदा सरकार से छुटकारा दिलाना है। गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपियों का जमानत के बाद भव्य स्वागत और इसके चलते बढ़ा विवाद। पुरी जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद को भक्तों के लिए निःशुल्क बनाने की योजना, सरकार सालाना 15 करोड़ रुपए करेगी वहन। पीएम गति शक्ति को 3 साल पूरे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली रफ्तार। एनसीपीसीआर ने राज्यों को पत्र लिखकर मदरसा बोर्डों को बंद करने और उनकी फंडिंग रोकने की मांग की। INDW वर्सेस AUSW, हरमनप्रीत की 50 के बाद भी हारी भारतीय टीम, सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया।